ठीक है ये एक स्ट्रिंग से इस पर्टिकुलर स्प्रिंग पर अटैच है जो कि ये पुली पी वन से अटैच है ठीक है इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि जो स्ट्रिंग है ये पुली पी टू से भी अटैच है ठीक है और ये पुली पी टू क्या है ग्राउंड से अटैच है बाय ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के टू ठीक है और इस पर्टिकुलर पोर्शन पर आप देख सकते हैं ये स्टिफनेस K1 वाली स्प्रिंग से वॉल से यानी रूफ से अटैच है तो हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम बॉल को स्लाइटली नीचे की ओर डिस्प्लेस करें तो इस सिस्टम में ऑसिलेशन जनरेट होंगी ठीक है तो उनकी हमें पीरियड बतानी है तो आइए देख लेते इसे कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे हमें इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट के थ्री दे रखी है इसकी के वन दे रखी है और इसकी के टू दे रखी है ठीक है यह हमारा पुली पी वन है और ये पी टू है इनिशियली आप देख सकते हैं हमारा जो बॉल है ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पर है ठीक है तो हम एक काम करते हैं इसे नीचे की ओर डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स ठीक है तो इसे डेल्टा एक्स डिस्प्लेस करने की वजह से क्या होगा कि जो स्प्रिंग के थ्री है के वन और के टू है इनमें एक इलॉन्गेशन आएगा ठीक है हम अज्यूम करते हैं के थ्री में जो इलॉन्गेशन आता है इसकी वैल्यू डेल्टा एल थ्री है सॉरी डेल्टा एक्स थ्री है ठीक है के वन में जो इलॉन्गेशन आता है इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स वन है और के टू में जो इलॉन्गेशन आता है इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स टू के बराबर है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स थ्री एक्स टू और एक्स वन में एक रिलेशन निकालेंगे ठीक है हम कैसे निकालेंगे कंस्ट्रेंट के हेल्प से अगर आप इस पर्टिकुलर पुली को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि इसका जो लेफ्ट स्ट्रिंग है यानी ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग ये डेल्टा एक्स वन से नीचे की ओर आ रहा है ठीक है और ये जो पुली है आप देख पाएंगे ये डेल्टा एक्स टू से ऊपर की ओर बढ़ रहा है ठीक है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये किसी वैल्यू लैमडा से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ठीक है मतलब लैमडा से ऊपर की ओर इलांगेट हो रहा है तो हम कंस्टेंट से देख सकते हैं कि लैमडा माइनस डेल्टा एक्स वन बाई टू इक्वल्स टू हमारा डेल्टा एक्स टू के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ पर से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई टू डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स वन के बराबर ठीक है इसके बाद अगर हम इस पुली पी वन को देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये इसका लेफ्ट स्ट्रिंग है ये डेल्टा एक्स वन से ऊपर की ओर बढ़ रहा है ठीक है और अपर स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली ये जो पुली है ये मूव नहीं करेगा ठीक है ये फिक्स्ड रहेगा इस पॉइंट के अबाउट अगर हम इस इसके राइट स्ट्रिंग का इलांगेशन देखें तो इसकी इलोंगेशन की वैल्यू आएगी बॉल को हमने कितना डिस्प्लेस किया यानी कि डेल्टा एक्स माइनस ये स्ट्रिंग कितना इलोंगेट हुआ यानी कि डेल्टा एक्स थ्री नीचे की ओर ठीक है सिंस ये पुली फिक्स्ड है तो ये जितना ऊपर गया उतना ही ये ओवरऑल नीचे आएगा ठीक है तो हम लैमडा की वैल्यू लिख सकते हैं यहां से लैमडा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स थ्री के बराबर ठीक है तो अगर हम यहाँ पे लैमडा की वैल्यू पुट करें तो आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू इंटू टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री ठीक है तो ये हमारा डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के बीच रिलेशन आ गया ठीक है तो अब हम अज्यूम करते हैं कि जो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसमें टेंशन इलोंगेशन की वजह से डेल्टा टी आ गई ठीक है तो ऑब्वियसली अगर इसकी वैल्यू डेल्टा टी है और इसकी वैल्यू डेल्टा टी है और पुली मासलेस है तो यहां पर टेंशन की वैल्यू डेल्टा टी हो जाएगी तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहां पर के टू इंटू डेल्टा एक्स टू की वैल्यू टू डेल्टा टी के बराबर हो गई सिमिलरली इस स्प्रिंग में के वन इंटू डेल्टा एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी और अगर इस स्प्रिंग को देखें यहां पर के थ्री इंटू डेल्टा थ्री की वैल्यू कितनी हो रही है डेल्टा टी के बराबर हो रही है ठीक तो आप देख सकते हैं इन तीनों इक्वेशन से यानी कि वन टू और थ्री से हमें एक रिलेशन मिलेगा ठीक है ये रिलेशन क्या होगा के वन इंटू डेल्टा एक्स वन इक्वल्स टू के थ्री इंटू डेल्टा एक्स थ्री इक्वल्स टू के टू इंटू डेल्टा एक्स टू बाई टू ठीक है तो हम एक काम करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम सारी वैल्यूज को यानी डेल्टा एक्स थ्री और डेल्टा एक्स टू को एक्स वन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें मिलेगा के वन इंटू डेल्टा एक्स वन इक्वल टू के थ्री इंटू डेल्टा एक्स थ्री यहां से डेल्टा एक्स थ्री की वैल्यू मिली के वन बाई के थ्री इंटू डेल्टा एक्स वन सिमिलरली अगर हम डेल्टा एक्स टू की वैल्यू निकालें तो डेल्टा एक्स टू की वैल्यू हमें मिलेगी टू के वन इंटू डेल्टा एक्स वन बाई के टू के बराबर ठीक है तो डेल्टा एक्स का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास रिड्यूस होकर कुछ इस तरह आ जाएगा डेल्टा एक्स वन प्लस टू इंटू डेल्टा एक्स टू की जगह हम ये वैल्यू डाल देते हैं तो ये कितना हो गया हमारा टू के डेल्टा एक्स थ्री की जगह हम पुट कर देते हैं के वन बाई के थ्री इंटू डेल्टा एक्स वन ठीक है तो यहां पर से एक काम करते हैं हम डेल्टा एक्स वन बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा वन प्लस फोर के वन बाई के टू प्लस के वन बाई के थ्री ठीक है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई के टू के थ्री प्लस फोर के वन के थ्री प्लस के वन के टू डिवाइडेड बाय के टू इंटू के थ्री ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स वन को अगर हम डेल्टा एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो यह हमारा हो जाएगा के टू इंटू के थ्री डिवाइडेड बाई के टू के थ्री प्लस फोर के वन के थ्री प्लस के वन के टू के बराबर ठीक है तो हमें बेसिकली चाहिए थी डेल्टा टी की वैल्यू क्योंकि ये जो डेल्टा टी है इस पार्टिकल को रिस्टोरिंग फोर्स यही डेल्टा टी प्रोवाइड करेगा ठीक है तो एफ रिस्टोरिंग की वैल्यू हमारे पास सिंपली हो जाएगी माइनस डेल्टा टी के बराबर ठीक है डेल्टा तो टी का जो एक्सप्रेशन है हमें पता है डेल्टा एक्स वन के टर्म्स में था के वन इंटू डेल्टा एक्स वन आप देख सकते हैं हमने यहां पर निकाला था इसे ठीक है तो अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास तो इक्वेशन कुछ इस तरह कहेगा डेल्टा टी इक्वल्स टू तो के वन के टू के थ्री डिवाइडेड बाय के टू के थ्री प्लस फोर के वन के थ्री प्लस के वन के टू ठीक है इनटू डेल्टा एक्स तो एक काम करते हैं हम इस एक्सप्रेशन को के वन के टू के थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ इस तरह का बचेगा ठीक है तो हमारे पास एफ रिस्टोरिंग की वैल्यू आ गई माइनस डेल्टा टी यानी कि माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वन बाई के वन प्लस फोर बाई के टू प्लस वन बाई के थ्री तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस डेल्टा एक्स बाई एम ब्रैकेट में वन बाई के वन प्लस फोर बाई के टू प्लस वन बाई के थ्री ठीक है तो इसे हम ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी वन बाई एम ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ठीक है तो हमें क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसोलेशन ऑफ द बॉडी ठीक है तो सिंपली हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई बाई ओमेगा या आप कह सकते हैं टू पाई अंडर रूट एम बाय वन बाई के वन प्लस फोर बाय के टू प्लस वन बाई के थ्री के बराबर ठीक है तो ये हमारा टाइम पीरियड का आंसर हो जाएगा सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर